Very sweet good morning, my dear students. Today, in this video, I am going to solve extracts of the chapter The Sermon at Benares. You must give your attention about the extracts. You must read them, see them, and know how to solve them. Okay? And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it? Please mujhe bataiye, wo kaun hai jo mere bacche ko bacha sakta hai?" And the man replied, us aadmi ne answer diya, "Go to Salyamuni, the Buddha. Salyamuni, Buddha ke paas jaiye, wo aapke bacche ko bacha sakte hain, bimari sahi kar sakte hain, jeevit kar sakte hain." Here the girl refers to. Who was that girl? Kiza's neighbor, Kiza Gautami herself, a Buddha's follower, none of these. So that is girl is Kiza Gautami. Okay? This is the answer. Kiza Gautami. Ye wo girl hai jisne pucha tha ki sir mujhe bataiye kaise main apne bacche ko bacha sakti, kahan jana. Here it refers to. Who is it? It refers to doctor, sick man, God, Salyamuni, Buddha. Kiske liye aaya hai ye? Who is it? It refers to Salyamuni, I mean to say Buddha. Unhone kaha Buddha ke paas jaiye. Theek hai? Next, the man suggested Kiza to go to. Kahan jaane ke liye bola? Kiske paas jaane ke liye bola? Salyamuni Buddha. Salyamuni Buddha. ये भी आंसर आपका यहीं आएगा. द मैन सजेस्ट किसा टू गो टू Salyamuni Buddha, उनके पास जाइए. द गर्ल एक्टेड ऑन द गिवेन बाई द मैन. किस बात पे उसने एक्ट किया? एडवाइस. द गर्ल एक्टेड ऑन द एडवाइस गिवेन बाई द मैन. फिर वो उनके पास गई. ओके, नेक्स्ट. Poor Kiza Gautami now went from house to house, एक घर से दूसरे घर. And then people pitied her. लोगों ने उस पर दया दिखाई. And said, बोले, here is mustard seed, take it. लो मेरे पास हैं एक मुट्ठी राई के बीज, सरसों के बीज, ले जाओ. But when she asked, जब वो ये कहती थी, did a son or daughter, अ फादर और मदर डाइन अ फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई, आपका पुत्र, कोई लड़की, कोई माँ बाप मरे तो नहीं है? तो सभी कहते थे कि हर किसी परिवार में कोई ना कोई तो मरा ही होगा कभी ना कभी. Kiza Gautami went, मैं इसको आपको समझा दूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है इसलिए डायरेक्ट शुरू कर दिया ये, कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि उस घर से सरसों लाना जहाँ से कोई मरा ना हो, जिसके यहाँ कोई कभी मरा ना हो, तो मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा. ओके, Kiza Gautami बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ऑर्डर टू, किस लिए जा रही थी? घर से दूसरे घर, गेट एन एडवाइस ऑफ डिफरेंट पीपल, लोगों के एडवाइस लेने के लिए, गेट सम मनी, पैसा लेने के लिए, गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, याद इसका आंसर, गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, जो कि महात्मा बुद्ध ने कहा था एक मुठ्ठी सरसों के दाने लेने के लिए, बीज लेने के लिए जा रही थी एक घर से दूसरे घर. लेकिन जैसे ही वो बताती थी कोई मरा तो नहीं आपके यहाँ तो दो मुझे, तो वो मना कर देते थे, नहीं ऐसा तो कोई घर होगा ही नहीं आज तक जहाँ कोई मरा ना हो. द पीपल शोड पिटी ऑन Kiza Gautami कंडीशन, दया दिखाते थे, गे मस्टर्ड सीड टू Kiza, मस्टर्ड सीड दे देते थे,
बोथ एंड ए बी, नाइदर ए नॉर बी, बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। तो ये आपका होगा इसमें बोथ ए एंड बी। वो दया भी उस पर दिखाते थे जब अपनी बात बताती थी, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, बीमार है, उसको बचाने के लिए महात्मा बुद्ध ने ये लाने को कहा मुझसे, तो वो कंडीशन पर उसकी दया भी दिखाते, दुखी होते थे और मस्टर्ड दे भी देते थे, लेकिन जैसे ही वो बताती थी कि आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं कभी, तैसे ही वो वापस कर लेते। वैसे ही कीजा गौतमी आग द पीपल इफ एनी वन डाइड इन, क्या पूछती थी, पूछती थी कीजा गौतमी आग द पीपल इफ एनी वन डाइड इन देयर फैमिली, क्या कोई मरा तो नहीं आपके यहाँ परिवार में कभी। नो वन वॉज देयर इन होल फैमिली, नो बडी, कोई ऐसा नहीं था जिसके यहाँ पर कोई नो बडी डाइड, मरा ना हो, डाइड ऐसा कोई परिवार ही नहीं था, घर ही नहीं था जहाँ पर कोई मरा ना हो, डेथ ना हो यू कभी ना कभी। नेक्स्ट, कीजा गौतमी बीकेम वेरी एंड होपलेस, परेशान हो गई, आशा खो दी उसने कि अब ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो, जहाँ से मैं सरसों के बीज ले लूँ। एंड सेट डाउन एट वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, बहुत जरूरी एक्सट्रैक्ट है ये, इम्पोर्टेंट। और रास्ते में बैठ गई एक किनारे, देखने लगी शहरों, शहर में जो लाइट्स जल रही थी उनको, परेशान होकर बैठ गई जब उसको सरसों कहीं नहीं मिली ऐसे घर से जहाँ कोई ना मरा हो, तो निर्दहाल होकर वो बैठ गई और लाइट्स को देखने लगी शहरों में जो जल रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जल रही थी बुझ रही थी, जल रही थी बुझ रही थी, तो उसको लगा कि जीवन भी ऐसे ही है, जब हम पैदा होते हैं लाइट जलती है, जलती रहती है, लास्ट में बुझ जाती, तो हम मर के चले जाते हैं, तो जो आया है, जो जन्म लिया है वो मरेगा। कीजा गौतमी बिकम होपलेस बिकॉज, क्यों वो होपलेस हो गई, निराशा क्यों हो गई उसको। शी डिड नॉट फाइंड एनी फैमिली इन विच नो वन हैड डाइड, कोई परिवार नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हो। शी डिड नॉट फाइंड एनी फैमिली रेडी टू गिव हर मस्टर्ड सीड, शी डिड नॉट फाइंड एनी काइंड हार्टेड पर्सन, शी डिड नॉट फाइंड एनी फिजिशियन, नो फर्स्ट दिस द आंसर, शी डिड नॉट फाइंड एनी फैमिली इन विच नो वन हैड डाइड, कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो। ओके, नेक्स्ट, कीजा गौतमी सेट डाउन एट द बे साइड, क्यों बैठ गई सड़क के किनारे रास्ते पर, टू वॉच द लाइट्स ऑफ द सिटी, लाइट्स देखने के लिए, टू वॉच द सिटी शहर देखने के लिए। एज शी गॉट टायर्ड, थक गई थी ऑल ऑफ दीज, या इस वजह से क्यों वहाँ पर वो बैठ गई थी। देखिए, एज शी गॉट टायर्ड, थक गई थी इसलिए वहाँ बैठ गई वो, एज शी गॉट टायर्ड। ओके, दिस द आंसर, द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कौन जल रहा था बुझ रहा था, द लाइट्स, लाइट्स, द लाइट्स फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। शी बिकेम वेरी बिकॉज शी वेंट फ्रॉम, कहां से कहां गई इसलिए थक गई परेशान हो गई, हाउस टू हाउस, वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर गई, दसियों सैकड़ों घर उसने मांगे लेकिन कहीं ऐसा नहीं मिला, कि सरसों तो मिल जाती, लोग तैयार भी हो जाते देने के लिए उसको, बट एज सी सेड दैट इफ एनी वन फ्रॉम देयर हाउसेस डाइड एवर, पूछती कभी कोई मरा है, तो वो कहते थे हाँ भैया हमारे यहाँ तो मरा है, और ऐसा कोई घर होगा ही नहीं दुनिया में जहाँ कोई कभी मरा ना हो। नेक्स्ट, एज राय फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फलों के गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर डेथ, जो हम लोग नश्वर, जो हमारा शरीर है उसके साथ अगर पैदा हुए तो हमेशा मरने के खतरे में हम रहते ही। ऑल एज ऑल अर्थन बेजिल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जो भी बर्तन बनाया जाता है कुम्हार के द्वारा मिट्टी का, वो लास्ट में कभी ना कभी टूट तो जाता ही है, उसका खतरा टूटने का बना रहता, फूटने का बना रहता। हम मिट्टी के हैं, आज बने हुए हैं कल मर जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, ऐसे ही हम लोग होते जैसे बर्तन हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल, हम तो मोर्टल्स नश्वर हैं। द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज
ब्लेजर, कीजा गौतमी, बुद्धा, फिजिशियन, कौन है इसका, किसने ये बात कही है? बुद्धा ने बताया ये हमें, द बुद्धा, उसकी ये लाइन्स है। राय फ्रूट्स आर कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया राय फ्रूट्स का, पके फल का, सिक मैन, एज्ड मैन, पुअर मैन, नन ऑफ दीज। तो एज्ड मैन से उसका वो किया गया है, जो बाद में बूढ़ा हो जाता है तो पक जाता है वो फल की तरह, पुराना हो जाता है, एज्ड मैन इज द आंसर। ओके, जस्ट लाइक ऑफ अर्थन वेसल्स ब्रेक एट सम पॉइंट, मैन आर बाउंड टू, किस लिए बाउंड है, डाई, जैसे बर्तन टूट जाते हैं वैसे ही हम भी मरने के लिए, टूटने के लिए बाउंड हैं, बाउंड टू डाई। व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मॉर्टल्स, कौन, मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर, जो नश्वर शरीर वाले होते हैं वो हमेशा मरने के खतरे में बने रहते हैं, जो जिंदा है, जो पैदा हुआ है मरेगा एक दिन जरूर, तो नियम है, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ यू नो लाइफ। See all the extracts clearly. Now they are clearly visible. You could see them. Okay. This one also. So these are the extracts, you are supposed to note them down in your English notebook, and after completing your work, after solving these extracts, you are supposed to send its pic, your work's pic on my personal WhatsApp number so that I could check your work. This is your homework, your home assignment, you are supposed to complete it. आप इसको सॉल्व कीजिए, जो एक्सट्रैक्ट मैंने आपको दिए अपनी नोटबुक पर, कंप्लीट करने के बाद इसकी एक फ़ोटो लीजिए, वो फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे डालिए तो मैं चेक करूँगा आपने ठीक किए। ओके, आफ्टर देम आई वुड गिव एक्सट्रैक्ट, unsolved extract, and you will be supposed to solve them. Okay? इनके बाद मैं आपको ऐसे भी दूंगा जो आप ही सॉल्व करेंगे उनको। Okay, thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students. You must complete your work.